खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खड़ीमा से, जहां शहर के अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए लगभग 500 ठेला फड़ व्यवसायियों ने लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सोनकर से मिलकर अपनी समस्या को सुनाया। वहीं गौरव सोनकर के नेतृत्व में रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे समस्त ठेला फल व्यवसायियों ने प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए खड़ीमा तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उपजिलाधिकारी से ठेला एवं फल लगाने तथा वेंडर जोन बनाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के दृष्टिगत बीते दिनों अतिक्रमण की कार्रवाई में खड़ीमा शहर के अंदर लगाने वाले ठेला एवं फल व्यवसायियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने के साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में खड़ीमा शहर के लगभग 500 ठेला एवं फल व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। इस कार्रवाई से आक्रोशित ठेला फल व्यवसायियों ने खड़ीमा के वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सोनकर को अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं उनके नेतृत्व में एसटीएम को ज्ञापन सौंप कर वेंडर जोन बनाने तथा ठेला एवं फल लगाने की अनुमति की गुहार लगाई। वहीं खड़ीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने रोजी रोटी के संकट के दृष्टिगत सभी ठेला एवं फल व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक सुरक्षित जगह पर अपना ठेला एवं फल लगा सकते हैं, किंतु यातायात बाधित और प्रतिबंधित पॉलीथान का प्रयोग नहीं होना चाहिए, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सोनकर ने बताया कि ठेला एवं फल व्यवसायियों के स्थायी समाधान एवं वेंडर जोन की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वार्ता की जाएगी। मैं आपको फल लगाने की इजाजत देता हूं, इस शर्त में कि रोड जाम ना हो, मतलब आप तरीके से लगाएं कहीं पे भी रोड जाम की स्थिति पैदा ना हो। जुम्मा लिया, अमीरों पे गाज क्यों गिरेगी? अमीर तो बने इसीलिए अमीर हैं कि उन पे गाज ना गिरे। कोई कार्रवाई होती नहीं उन पे कार्रवाई कैसे आएगी भाई? दूसरे उनका भी मतलब नेताओं से अटैच है, वो वहाँ फोन करते थे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब हमारी कौन सुनेगा? अब हमने ऐसे आदमी को चुना है गौरव भैया जी को, हमें उम्मीद है कि वो हमारी सुनेंगे, हमारे आगे बात पहुंचाएंगे। हमें धामी जी से भी उम्मीद है कि वो हमारे लिए, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर धामी जी हमारे लिए ये व्यवस्था कर दें कि बंडर जून की व्यवस्था हो जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और कुछ नहीं है। बिल्कुल रुकेगा, अगर धामी जी हमारे लिए बंडर जून की व्यवस्था कर देंगे तो हमारे लिए चार चांद लग जाएंगे। 500 ठेले वाले हैं, इनके पीछे हर एक एक परिवार है, 500 का मतलब समझो 2-2.5 हजार लोग इनके पल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो अभी आपके पास टाइम, मतलब जैसे एकदम से नहीं हो सकता, तो उनकी व्यवस्था ऐसी कर दीजिए, इनको कुछ चीजें बता दो कि कहाँ रहना, किस तरह से रहना, इस तरह की बदतमीजी ना हो कि इनको ठाके ले जा रहे हैं ठेले को और इनके सामान फेंक दिया जा रहा है, ये सब जो हुआ है एडमिशन, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है, हमने इनको भी बोल रखा है कि जो है क्या, प्रशासन को भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, जैसे कुछ बाहर के लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो करते क्या है, ठेला लगाते हैं, दिन भर रेकी भी करते हैं, शाम को होते ही वो ताले काट देते हैं, उनका कोई सत्यापन वगैरह है नहीं, कहाँ के हैं क्या है करके। वैसे लोकल में सबको लगभग सबको जानता ही हूँ, और छोटे से इस खटीमा में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ यहीं पे, तो ये सब है तो लगभग यहीं के लोकल के, लेकिन कुछ एक लोग ज़्यादा हम पहचान नहीं सकते भीड़ में कौन क्या है, तो उनका सत्यापन के लिए भी किया गया है कि सत्यापन होगा उनका, और सत्यापन के बाद ही उसको ठेला और जो भी लगाने की इजाज़त दी जाएगी। बाकी हम अभी एसडीएम साहब उनका शिकायत ये है कि अतिक्रमण के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। मुझे नगर पालिका से सिलसिले में बात करी और नगर पालिका ने कहा कि अभी उनकी वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं होगी उनकी रोजी रोटी का इनके ऊपर संकट आ जाएगा, लिहाजा जब तक हमारी वेंडिंग जोन नहीं बनता तो इनको टेम्प्रेरी तौर पर एक व्यवस्था के तहत हम इनको छीनी लगाने की इजाजत देते हैं, लेकिन उस शर्त पे किसी भी तरह से रोड जाम की स्थिति पैदा हो, साफ सफाई की व्यवस्था ही रखेंगे और पॉलीथिन का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। मैं हमने इनको थोड़ी दिनों तक, जब तक हमारा वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं होता, इनको इजाजत देते हैं।